नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निकंज पारिक और आप देख रहे हैं आपका चैनल इंटीरियर दोस्त। तो आप लोग हमेशा बोलते रहते हैं कि भाई साइट विजिट, तो मैं अभी आया हुआ हूँ मध्य प्रदेश में। एक टाउन है कटनी के नाम से, वहाँ पे मेरे दोस्त हैं नवनीत जी, वो एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं इटालियन मार्बल और ग्रेनाइट की सीढ़ियाँ और ग्रेनाइट की विंडो सिल्स डोर फ्रेम्स लगाने का। और एक सरप्राइजिंगली उन्होंने मुझे कहा कि ये काम हमने टारगेट लिया है कि हम 16 दिन के अंदर अंदर 3,500 स्क्वायर फुट इटालियन मार्बल इंस्टॉल कर देंगे, विंडो सील्स लगा देंगे, डोर फ्रेम लगा देंगे और सारी सीढ़ियां हैं वो लगा देंगे। सबसे पहले मैं आपको बाहर की सीढ़ी से स्टार्ट करता हूं, जो लॉन्ग एंट्रेंस है ये क्या है, नीचे डॉक्टर, ये जो मकान है डॉक्टर्स का है, तो ये यहां से छोटी सी क्लिनिक बनेगी और उधर से पीछे की तरफ से मकान का एंट्रेंस है। हालांकि अभी इसके ऊपर एक प्रोटेक्शन सीट लगी हुई है, फिर भी आप देखिए ये लगाया। तो ये टोटल काम जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ये आज 14th डे है, 14वें दिन पे ये काम चल रहा है एंड दे हैव कम्प्लीटेड दिस प्रोजेक्ट सरप्राइजिंगली विद इन 14 डेज। जिसमें ये सीढ़ी दिखा दी मैंने आपको, फिर ये जितने भी सील्स हैं, सील्स लगे हुए ऊपर, ये खिड़कियों में जितने भी सील्स लगे हुए सारे लगा दिए। और अब अपन अंदर चल के देखते हैं। ये इनका ब्रांड है रेडियस टेस्ट, तो तैयार सीढ़ियाँ देते हैं, मैंने पहले एक वीडियो बनाया हुआ भी है इनका, तो अब अपन अंदर चलते हैं। ये जो कंपनी काम कर रही है रेडी स्टेयर्स, रेडी फ्लोर्स के नाम से इनका ब्रांड है, ऐसे पैकिंग करके आपकी फ्लोरिंग पहले फैक्ट्री से प्री फिनिश करके लाते हैं, इसी वजह से काम इतनी जल्दी होता है। अब अंदर चलते हैं और ये अभी यहाँ का काम हुआ नहीं है, एक दिन का काम बाकी बचा हुआ है। और ये आपका घुसते ही फॉयर है और ये आप देखिए इसमें ना ये फ्लोरिंग में छेद है, ये एक सरप्राइज एलिमेंट है, मैं लास्ट में बताऊँगा। ये इन्होंने लिफ्ट की फेसिया पूरी लगा दी है, ये पूरी फ्लोरिंग इटालियन मार्बल की लगा दी है। फिर ये सीढ़ियाँ हैं, ये सारी सीढ़ियाँ रेडीमेड लाके लगा दी, विंडो सील्स लगा दी, ये सारी विंडो सील्स लगा दी। इसकी फिनिशिंग देखिए, जो है ना क्वालिटी ऑफ द स्टोन, ये साइड में से एजेस प्री पॉलिश है, पॉलिश करके लगी हुई है। सीढ़ियाँ मैंने आपको दिखाई दी, अभी हम आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पे। फर्स्ट फ्लोर पे एक बार ये पीओपी का काम चल रहा है, इन्होंने प्रोटेक्शन के लिए लगाया हुआ है। ये इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग लगी हुई है और ये डिज़ाइन लगी हुई है। इसके ऊपर पॉलीथिन की सीट पहले से ही लगी हुई है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ द फ्लोर, ताकि ज़्यादा डैमेज नहीं हो किसी भी तरीके से। ये सेकेंड फ्लोर की लिफ्ट फेसिया इन्होंने ऑलरेडी लगा दी है। फिर ये पूरा फर्स्ट फ्लोर का हॉल लग गया, किचन लग गया है, ये नवनीत जी इंस्पेक्शन कर रहे हैं अपनी साइट का। और ये पूरा ये रूम कम्प्लीट है, ये वाला रूम कंप्लीट है, ये पीओपी का काम कर रहे हैं भाई साहब। और इनका काम अच्छा है, इधर दिखा भाई तेरी, इनका काम अच्छा है, फिनिशिंग बहुत बढ़िया करी आप देखिए, इधर पीओपी बहुत सुंदर तरीके से और फिनिशिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, तो इनकी तारीफ करनी चाहिए। फिर उसके बाद ये इनका लिविंग रूम है, जिसमें ये डिज़ाइनर फ्लोर लग गई, अभी इसमें पॉलिश नहीं हुई, पॉलिश होने के बाद ये बहुत खूबसूरत लगेगी, क्योंकि ये जो डिज़ाइन है ये यहाँ पे सीलिंग पे भी रिफ्लेक्ट करेगी, यहाँ पे भी दूसरी डिज़ाइन सेम इसी से मैच करती हुई बनेगी। ये टाइल्स वगैरह रखी हुई है जो अभी बाथरूम वगैरह लगनी है उसके आइडेंटिफाई करने के लिए। और ये हॉल जो है ग्राउंड फ्लोर का, उसकी सीढ़ी है, बहुत सुंदर है, अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है, मैं कोशिश करता हूँ नवनीत जी से बात करके कि हल्का सा आपको फील दे सकूँ कि यहाँ कैसी सीढ़ी लगने वाली है। फिर अब अपन चलते हैं ऊपर। ये सारा काम आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये नॉर्मली अगर आप कहीं काम कराएंगे तो 3-4 महीने लोग लगा देते हैं, ये इन्होंने आज 14th डे 14वां दिन है। ये ऊपर वाले फ्लोर की डिज़ाइनर फ्लोर है, ये लग चुकी है ऑलरेडी और इसमें फर्स्ट कट जो पॉलिश का जो पहला कट होता है वो लगने लग गया है। ये डिज़ाइन लगी है देखिए कितनी सुंदर है, ये पॉलिश होने लग गई है। इसकी भी डिज़ाइन अगर मैं देखता हूँ यहाँ से, थोड़ी सी हल्की सी मशीन की क्लीनिंग करा के बताता हूँ। और अंदर जो रेडी फ्लोर टीम के फिरोज भाई हैं वो पॉलिश कर रहे हैं, वहाँ भी चलते हैं एक मिनट को। ये थोड़ी सी स्लरी है, स्लरी उधर उठा रहे हैं, इधर उठाई हुई नहीं है, तो हल्का सा रिस्क लेते हैं, इसके ऊपर से चलते हैं। ये पहला कट इटालियन मार्बल का, उसके बाद पॉलिश वगैरह केमिकल ट्रीटमेंट वगैरह होता है। जब कोई भी एजेंसी प्रोफेशनली काम करती है तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है कि ये स्लरी वगैरह पहले ही यहीं उठा करें, ऐसे नहीं कि आपकी पूरी साइट ऐसे गंदी हो रही है, चारों तरफ स्लरी फैली हुई है, कोई आदमी फिसल रहा है, कीचड़ जमा हो रहा है,
ऐसा कुछ नहीं। इस स्लरी को डिस्पोज करने का भी एक बहुत बड़ा प्यारा अच्छा तरीका है, वो भी मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा। ये रूम कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी, है ना, इसमें भी कट लग चुका है। बाहर जो बालकनी है उसमें भी इन्होंने लगा दिया है, थोड़ा आसपास का माहौल भी देख लीजिए। ये खिड़कियों में ये विंडो फ्रेम लगाने से क्या फ़ायदा होता है कि जो भी सीमेंट की वजह से जो अंड्यूलेशन होते हैं, जैसे ये देखिए आपकी अंड्यूलेशन दिख रहा है आपको, ये सारा अंड्यूलेशन की जो एरर होती है ये ठीक हो जाती है। तो आपकी जब खिड़की जब लगेगी वो परफेक्ट विदाउट एनी गैप लग सकती है। तो ये भी इन्होंने लगा दिया है विथ दिस पॉलिश, ये जो पॉलिश है ना ये इंक्लूडिंग पॉलिश, ये ऑलरेडी लगा दिया है, 14 दिन के अंदर अंदर लग चुकी है। ये देखिए बहुत सुंदर डिज़ाइन आ रही है। फिरोज भाई इसमें क्लीन कर रहे हैं, ये पॉलिश करने होने के बाद ये डिज़ाइन ऐसी दिखेगी। तो ये डिज़ाइन है ये ऐसी दिखेगी। अभी मैं आ गया हूँ छत पे, तो छत पे ये इन्होंने डिज़ाइनर फ्लोर लगाई। ये प्राइवेट एरिया है, जो ओनर है डॉक्टर साहब है उनकी, उनका प्राइवेट एरिया है। ये इन्होंने सुंदर सी छत डिज़ाइन कर रहे हैं अभी, वो काफ़ी अच्छी चल रही है एक्टिविटीज़ वगैरह। और यहाँ पे ये एक टॉप फ्लोर के लिए एक पैंट्री टाइप बनेगी इस जगह पे, ताकि कोई उनको गेस्ट वगैरह आए तो उनके लिए। ये बहुत खूबसूरत अभी पत्थर डाला, ये स्टोन की जो डिज़ाइन ये डली है, इसके ऊपर मैं पानी डाल के और दिखाता हूँ, बहुत सुंदर दिखेगी ये। इसकी भी लिफ्ट फेशिया लग चुकी है, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। ये मकान दिख रहा है छत से, ये सील्स लग गई। ये लगाने से क्या एडवांटेज आपको मैं बता दूं कि जब भी कभी थोड़ा मकान जब पुराना हो जाता है ना, तो इन पे जब बरसात गिरती है तो इससे भी सीपेज अंदर जाने की चांसेस होते हैं, अगर कंस्ट्रक्शन में कुछ एरर है तो। ये लगाने से क्या होता है कि कोई भी जो सीपेज आती है दीवारों पे, उसको बिल्कुल 100% ये ग्रेनाइट प्रोटेक्ट कर लेती है। तो ये भी आप अगर कंसिडर कर सकते हैं, कभी आपके घर में सीपेज आ रहा हो और दीवारों पर सीपेज आ रहा हो और आप सरप्राइजिंगली आपको ऐसा लग रहा हो कि यार यहाँ पर सीपेज कैसे आ सकता है, तो ये सॉल्यूशन एक बहुत अच्छा सॉल्यूशन है, ये जरूर कराना चाहिए। जो भी एक्सपोज्ड छत है या डोली आपके मकान की कहीं पे भी, उसको आपको ऐसे ग्रेनाइट लगा के उसको कवर कर लेना चाहिए, ताकि वाटर एब्जॉर्ब नहीं करे। सुंदर लग रहा है ये नीचे का रास्ता, पेड़ अच्छे हरे भरे। ये हमारा नाश्ता आ गया है, एमपी में आया और कोई आदमी पोहे नहीं खाए तो वो ये देखो नमनी जी गपा का पोहे चेप रहे हैं। तो मैं भी अपना नाश्ता करता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। ये फैक्ट्री से जो बनी ना सिल, उसकी साइज और नंबर सीरियल नंबर डाला हुआ, ताकि किस जगह की है कहाँ की है ये पहले मेजरमेंट करके इन्होंने ये प्रोसेस किया है। ये पानी की टैंक को शेड में रखा है इन्होंने, पर एक पानी ये थोड़ा ओवरफ्लो हो रहा है। और ये बहुत अच्छी चीज़ है, सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम है ये, इसके बारे में कभी अलग से बात करेंगे। ये भी आप कभी अगर अपना मकान बन रहा हो तो ये लगा सकते हैं। जो मैं फूल दिखा रहा था ना आपको, उसके लिए पानी की जरूरत है, क्योंकि इसकी ग्रेस इतना अच्छा दिख नहीं रहा है। जैसे पानी डालेंगे ना तो इसके कलर जो है खिल के आएंगे। ये देखिए थोड़ा सा पानी डालते ही इसमें ऐसी चमक आ गई। तो ये करीब करीब इस तरीके का फाइन लुक देगा, और अच्छे से अगर इसको अभी वाइपर वगैरह चला दे तो और भी सुंदर दिख जाएगा। ये सीढ़ी है मार्बल के, ये जो बुलबुले दिख रहे हैं ना ये पॉलीथीन के हैं, पॉलीथीन सीट लगी हुई है प्रोटेक्शन के लिए। तो आपको बहुत प्रॉपर इसकी जो चमक है वो नहीं दिख रही है, लेकिन फिर भी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि जैसे ये फ्रंट मोल्डिंग करी हुई है, स्ट्रेट मोल्डिंग डबल मोल्डिंग, ये ग्रूव्स कटे हुए ताकि एंटी स्किड है, ये एंटी स्किड ग्रूव है और ये प्री फिनिश्ड फैक्ट्री से। तो फटाफट ये लग गई सीढ़ियाँ, सारी सीढ़ियाँ मैं आपको ऑलरेडी दिखा चुका हूँ। अब आपको ये मज़ेदार वाली चीज़ बताता हूँ कि ये जो इसमें जो दो होल है इस पत्थर में, ये क्यों है ना खान साहब? जी, एक मिनट इधर आना, ये एक बार ये खोल के दिखाओ ना क्या जादू किया आपने। जी जी, ये मेन होल है, ये इसमें आपने कस दिया इसको, है ना? जी। तो ये इसका हैंडल टाइप बन गया। जी, अब इसको खींच के निकाल दोगे? जी जी, निकालो खान साहब, निकालो इसको। ये देखे, ये निकल गया है ना, एक और इसके अंदर ये देखो, ये इसके अंदर ये अभी खुल, ये खुल जाएगा अभी। ये जैसे एंट्रेंस है, एंट्रेंस में घुसते ही यहाँ पे अगर ये पंप का खड्डा या इसका चैम्बर दिखता तो कितना खराब दिखता। तो एक बहुत बढ़िया सॉल्यूशन किया है इन्होंने। ये एक बार उल्टा करके दिखाना खान साहब इसको, उधर से दिख गया। तो ये इधर इन्होंने ये चैम्बर को, पत्थर को इस चैम्बर के ऊपर चिपका दिया और ड्रिल करके ये बोल्ट लगा दिया है, और बोल्ट पे ये चाबी कस के इसको पुल करके निकाल लिया। अब आप वापस रख सकते हैं, आप देखिए एकदम
एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब यूजफुल चीज़ है जो आप अपनी साइट पे भी कहीं पे ऐसी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप कर सकते हैं। हाँ रख दो, अब ये लग गया परफेक्ट। और ये चाबी खुल जाएगी, अगर चाबी अगर आप निकाल देते हो और इस ये दो होल दिखेंगे। नवनी जी, ओ नवनी जी, इधर ना, दो मिनट आपसे बात कर सकते हैं क्या? ये लाना यार चेयर इधर। सर आपसे दो तीन सवाल करना है। एक तो ये जो आपने साइट करी है, तो ये खान साहब बता रहे हैं कि 14वां दिन चल रहा है और आपने पूरा 3,500 स्क्वायर फुट के करीब इटालियन मार्बल लगा दिया, ये लिफ्ट फेसिया वगैरह सब लगा दी, सीढ़ियाँ लगा दी और विंडो सील्स विंडो फ्रेम सब लगा दिए, तो ये आपको क्या लगता है कि इतना स्क्वायर फुट एरिया आप जो 15 दिन में या 14 दिन में किया है, ये नॉर्मली अगर कोई आदमी कराता तो कितने दिन लग जाते? अगर इसको स्किल्ड तरीके से अगर किया जाए परफेक्शन के हिसाब से तो 3.5 से 4 महीना लगना चाहिए। मतलब 3.5 से 4 महीने का काम आपने 16 दिन में किया है, मतलब ये ऐसा लगता है कि शायद 25 साल की जो तैयारी है, कम से कम हमारा जो ड्रीम है जी, जो हम करना चाहते हैं जी, उसकी वजह से इसको कर पाए। इसके पीछे बहुत लंबी आरएनडी है। अच्छा एक चीज़ और बताओ, ये आप कहीं पे भी पूरे इंडिया में कहीं पे भी प्रोजेक्ट ले सकते हैं? अच्छा क्लाइंट होना चाहिए, थ्रू आउट वर्ल्ड में हो, और क्लाइंट जितना कोऑपरेटिव होगा हाँ, उतना ही काम बढ़िया होने की संभावना है। और मिनिमम क्वांटिटी कितनी लोगे? मिनिमम क्वांटिटी हम लोग अभी आज की डेट में तो हम छोटा क्वांटिटी कर नहीं पा रहे, लेकिन हमारा जो ड्रीम है एक्चुअल में, वो ड्रीम है कि जिनका घर 800 से 1000 स्क्वायर फीट का एरिया हो, उनको हम 7वें 8वें दिन उनका घर डिलीवरी दे पाए, ये हमारा लक्ष्य है। नवनी जी, मैं एक चीज और पूछ रहा था कि जैसे अगर आपने 16 दिन में ये नई बिल्डिंग में काम करके दिया है, तो अगर छोटी जो होता है ना, बड़े शहरों में जो हाई राइज बिल्डिंग्स है, उसमें अगर मान लो 17वें मंजिल में या 20 मंजिल में या 25वें मंजिल में कोई आदमी अपने फ्लैट की फ्लोरिंग चेंज कराना चाहे और इटालियन मार्बल लगाना चाहे, तो वो भी आप कर सकते हैं? ये संभव है, यही हमारा रियल ड्रीम भी है। हमको ऐसा लगता है हमारा कस्टमर नया नहीं है, जो ऑलरेडी घरों में रह रहा है वही हमारा कस्टमर होने वाला है, और हम चाहते हैं कि उनका घर उनको इटालियन मार्बल फ्लोरिंग में कन्वर्ट करके 7वें 8वें दिन हम उनको डिलीवरी दे पाए। 7वें 8वें दिन? जी ज्यादा नहीं बोल दिया आपने। हम 5 में करेंगे तो 7 या 8 दिन में दे पाएंगे। मतलब ये मतलब पत्थर लगाना पॉलिश करना सब चीज की बात कर रहा हूँ मैं आपसे? सब चीज ही। चलो ठीक है, हमारे कस्टमर को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं हो। हाँ, स्मूथ एकदम। यस, ये हमारा सबसे बड़ा गोल है इसमें। अच्छा एक चीज बताइए, जो मिनिमम एरिया कितना होगा और ये काम कहाँ कहाँ कर सकते हैं आप? मतलब ये भी आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। हमारी इंडस्ट्री के अंदर जिसको 700-800 हजार स्क्वायर फीट इटालियन मार्बल अगर लगवाना है, उसको कोई ढंग से अटेंड नहीं कर पाता है, ना कोई दुकानदार ना कोई इंस्टॉलर, कोई भी उसको ढंग से वैल्यू नहीं कर पाता है। लेकिन हमारा ड्रीम यही है कि 1000 स्क्वायर फीट से नीचे या 1200 स्क्वायर फीट से नीचे जिनके भी अच्छे फ्लोर्स हैं लेकिन पुराने हैं, उसमें केवल इटालियन मार्बल की फ्लोरिंग नहीं होने की वजह से उनको अच्छा फील नहीं होता है, उनको हम ये सॉल्यूशन दे पाए और 7वें 8वें दिन उनको उनका फ्लोर रेडी करके हम दे पाए, ये हमारा ड्रीम है। प्रोवाइडिंग एंड फिक्सिंग, यस, कंप्लीट सॉल्यूशन। तो 1200 स्क्वायर 1200 केवल पेमेंट देने और अच्छा व्यवहार रखने के अलावा, विश्वास करने के अलावा और कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो आपका कहने का मतलब है कि 1200 स्क्वायर फुट के लिए भी आप आदमी भेज दोगे कहीं पे भी? हमारा कोशिश यही है कि हमारा आदमी ऐसे फ्लाई करके बाई एयर जा पाए और उनका काम एग्जीक्यूट करके हम किसी भी रीजन से हमको उनको 8वें दिन हम डिलीवरी दे पाए, हमारा गोल यही है। क्योंकि लोकल में अगर कोई बड़ी सिटी है, कोई अपने घर में अगर चाहे तो 7 दिन के लिए वो सोच सकते हैं कि भाई हम किसी होटल में जाके शिफ्ट हो जाते हैं और हमारे घर को होते हुए देख भी सकते हैं और पता लगा 8वें दिन हमको हमारे घर की डिलीवरी भी मिल सकती है, तो उनका ऑफिस भी हट नहीं होता, ये हमारा ड्रीम है। ये आपको दिखाने के लिए एक सीढ़ी की डिज़ाइन लगवा रहा हूँ मैं, अगर ये लग जाती है तो ये भी दिखा देता हूँ आपको मैं इसी वीडियो में। इस साइट में जो पीओपी का जो कारीगर है उसकी भी वर्कमैनशिप काफ़ी अच्छी है, तो उसकी भी तारीफ करनी चाहिए। ये भाई साहब है जो पीओपी का काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, देखो पीछे दिख रहा है आपको, क्या नाम है बॉस आपका? जी राजकुमार शर्मा। राजकुमार शर्मा जी कटनी में काम करते हो, कौन सी एरिया में? तो ये अगर आपको मध्य प्रदेश में कहीं आप रह रहे हो तो आप इनसे पीओपी का काम आराम से बिंदास करवा सकते हो, देखिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं।
ये आपके लिए स्पेशली मैंने सीढ़ी लगवाई है जो इस पूरे बिल्डिंग का बहुत अच्छा अट्रैक्शन बनने वाला है। तो ये ऐसी दिखेगी सीढ़ी, मैंने तीन टेम्परेरी लगवाई है सीढ़ियाँ, तो आप इमेजिन करिए कि कितनी अच्छी और सुंदर लगेगी। अब ये बिल्कुल टेम्परेरी लगी हुई, परमानेंटली लग के पॉलिश वगैरह होने पे बहुत अच्छी लगेगी। और एक आप राय दीजिए आप लोग कि ये जो साइड में जो पोर्शन जो खाली रह रहा है, ये यहाँ पे रह रहा है, इसके नीचे रह रहा है, ये रह रहा है, तो यहाँ पे क्या करना चाहिए कि ये इसको ये डबल लेयर ही रहना चाहिए, ये जो स्टोन दिख रहा है और ये नीचे रॉ स्पेसिफिक फिनिश होके ये पेंट करना चाहिए या इसको पत्थर को पूरे में लेना चाहिए, कौन सा ज़्यादा अच्छा लगेगा आपके हिसाब से? आप लोग अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और मैं थोड़ा सा एक बार और आपको इसका लुक दिखाता हूँ, बहुत प्यारा लुक है स्टेयर्स का और बहुत ही सुंदर लगेगा जब रेलिंग वगैरह लग करके जब ये फिनिश हो जाएगी स्टेयर्स, तो बहुत ही खूबसूरत और बहुत प्यारी स्टेयर, इटालियन मार्बल की स्टेप और ये इटालियन मार्बल की ही राइजर है ब्राउन कलर में, बहुत खूबसूरत और बहुत अच्छी लगेगी। एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको। मैं डॉक्टर कमल लहरिया, सर्जन कटनी में, मध्य प्रदेश में। मेरा यहाँ पर मकान बन रहा है, घर बन रहा है। मैंने ये नवनीत जी जयपुर से, इनकी रेडी स्टेयर्स एंड रेडी फ्लोर्स का इनका काम है, इनकी जितनी तारीफ की जाए वैसे कम है। शुरुआत यहाँ से कि ये आदमी बहुत अच्छे हैं, दिल के साफ हैं, साफ बोलते हैं, एक एक चीज़ आपको बताते हैं पहले हर एक चीज़ का कि किसमें क्या है, कौन सा पत्थर की क्या विशेषता है, किस पत्थर की क्या खराबी है, किस पत्थर में क्या अच्छाई है, कौन सी चीज़ कहाँ पर लगाने में आपको अच्छा रहेगा, फ़ायदा रहेगा, वैल्यू फॉर मनी है, कौन सी चीज़। ये मना भी करते हैं कि ये चीज़ आप यहाँ पर मत लगाइए, ये फ़ायदे की चीज़ नहीं है, ये नुकसान करेगी, इसमें ये फ़ायदा अभी अच्छा नहीं होगा। और ये भी बताते हैं कि यहाँ पर ये पत्थर आप लगाएं, इससे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी, मेंटेनेंस नहीं मांगेगी, या आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसको समझ के ये आगे आपको चीज़ बताते हैं। डेडिकेटेड टीम है इनकी। मुझे ये बिल्डिंग में फ्लोरिंग 15 दिन की है, इससे 15 दिन में इन्होंने पूरी बिल्डिंग में फ्लोरिंग कर दी है। पहले ये आए थे अपना प्रॉपर, इनकी टीम थी, नाप वगैरह लेके फिनिश करके आए हो, विद इन 15 डेज इन्होंने पूरा इंस्टॉल कर दिया। अनफॉर्चुनेटली उसी 15 दिन में मैं एवं मेरे परिवार की को हेल्थ इश्यूज थे, उस हेल्थ इश्यूज बता दो ना, अभी 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 ट्रेंड, अभी सीजन है उसका, बीमारी का। हाँ, अभी तो सीजन ही चल रहा है उस हेल्थ इश्यू का। हाँ, तो कोरोना हो गया था आप लोगों को, हम यहाँ पे हमें कोरोना हो गया था। हाँ, तो हम यहाँ पर देखने नहीं आए, हम मतलब किसी का घर बन रहा हो और वो देखने ना आए। हाँ, उसके बाद इतने रिलैक्स थे कि ये काम डेडिकेटेड टीम बिल्कुल डेडिकेशन से कर रही है, ईमानदारी से पूरा काम हो गया और इतनी फास्ट, मतलब हम बीमार होके ठीक नहीं हो पाए और हमारी बिल्डिंग में फ्लोर लग गया, ये बहुत बड़ी बात है। और यहाँ आके मुझे कहीं कोई मिस्टेक नहीं दिख रही है, सब कुछ बहुत अच्छा है, एक सकर देते हैं, आप पकड़ भी नहीं सकते गलती, वो खुद ही निकालते हैं और खुद ही बना भी देते हैं। पत्थर का पूरा नॉलेज है, मतलब पत्थर को अपन ऐसे बोलें कि जैसे हीरा है, हीरा क्या है, कार्बन, कोयला, उसको जब तक आप तराशते नहीं हो तब तक वो हीरा नहीं बनता है। वही हाल यहाँ भी है, इटालियन पत्थर है, नेचुरल है, भगवान ने जैसा बना दिया बना दिया, उसको ऐसे नहीं कि रख देना है लाइन से, उसको आपको उसको तराशना है, उसकी आपको उस पत्थर की नेचुरल गलतियों को आपको हटाना है, छुपाना है, उसको उसके लुक्स निखर के आएंगे आपको उसको ऐसा लगाना है। ये जो तराशने का काम है ये इन लोग का डेडिकेटेड टीम का काम है, एंड आई एम वेरी मच सेटिस्फाइड। और जब ये बिल्डिंग रेडी हो जाएगी तब भी मुझे ऐसा ही लगता है कि मैं आज से और ज़्यादा खुश होऊंगा, मेरा परिवार और खुश रहेगा उसको देख के, और इसमें हम लोग यहाँ रहेंगे तो बहुत सेटिस्फाइड रहेंगे। ये लक्की भैया है हमारे और ये डॉक्टर साहब के छोटे भाई हैं, और इनकी मुस्कुराहट देखिए कितनी प्यारी है। तो लक्की भैया, मैं एक चीज़ पूछ रहा था आपसे कि मैंने सुना है कि जिस दिन इनका मटेरियल आया था, गाड़ी आई थी, ट्रक आया था, तब आपके घर में सब लोगों की तबीयत ठीक नहीं थी कोरोना की वजह से, आप अकेले ही नेगेटिव में थे, बाकी सब पॉजिटिव में, बाकी सब पॉजिटिव। तो उस दिन से और आज तक का आपका कुछ छोटा सा एक्सपीरियंस अगर आप शेयर करना चाहें तो। मैं क्या बोलूँ, मतलब ऐसा लग रहा है कि लग नहीं रही है, उसमें फ्लोर लग चुका है। मतलब आपके घर में 10 में से 9 जन कोरोना पेशेंट हैं, 4 जन हॉस्पिटलाइज हैं, 5 जन घर में हैं, आप अकेले हो, आपको पता है कि आपके 5,000 स्क्वायर फीट के घर में पत्थर लगना है,
कोरोना नाम ही अपना इतना बड़ा है कि वो एक साइकोलॉजिकल प्रेशर आपके बिल्ट है, और उसके बाद भी मतलब मुझे टेंशन हो ही नहीं थी किसी चीज की। स्मूथ हो गया आपका काम। नवनीत जी को तो जितने धन्यवाद दीजिए उतने कम है, या जो परफेक्शन उन्होंने अपनी टीम को देके रखा है, अपने काम के प्रति जो डेडिकेशन है। जिस दिन गाड़ी आई रात में, मतलब जिस दिन रात में गाड़ी आई, मेरे फादर और ब्रदर दोनों जन हॉस्पिटलाइज, मैं वहीं था। एक मैंने विजिट लगाई उनकी 6 बजे के लगभग, और नन्नी जी का खान साहब उनसे रिक्वेस्ट की कि सर मैं कुछ मदद नहीं कर पाऊंगा आपकी। सर कि भाई आप मुझे आपकी मदद नहीं चाहिए, आप कुछ चाहिए हो तो मुझे बताइए, मैं कुछ कर सकता हूँ आपके लिए। मतलब नहीं, हम कुछ जा सकता नहीं। मैं रात में आया यहाँ 11:30 बजे तो देखा कि इनकी पूरी टीम फुल फ्लैश ड्रेस में, लाइट पूरी चालू और इंस्ट्रूमेंट के साथ में वेट कर रही है कि क्रेन आए। और पूरी फैमिली को अटेंड कर रहे थे। सब वो जैसे अपन सोचते हैं ना कि अपन अस्पताल में भी नहीं देखा होगा। मोहनी जी ने कई बार बोला कि हम 15 दिन में फ्लोर रेडी कर देंगे आपका, लेकिन सिर्फ अपन को लगता रहा कि आप ठीक है बोल रहे हैं। मोहनी जी ने कई बार बोला कि हम 15 दिन में फ्लोर रेडी कर देंगे आपका, लेकिन सिर्फ अपन को लगता रहा कि आप ठीक है बोल रहे हैं। अब क्या है, एक ट्रस्ट कंपनी चीज होती है, इनसे हम जितने दिन से जुड़े हैं, इनकी बात में जो कॉन्फिडेंस लेवल है या जो भी बात करते हैं, हवा की कोई नहीं, एयर में नहीं रहती बात। वो अगर है तो है, नहीं है तो ना है, या कोई डिसीजन है तो बोले बाद में होता है। तो जैसे उन्होंने बोला 15 दिन में लगेंगे, मैं जब पहले दिन आया तो मैंने देखा एक फ्लोर की सीढ़ी रेडी है भाई। मैं कहा यार आपको बताया काम तो इतना 10 दिन भी कर लिया था, अब तो जो 3-4 दिन हो उसके बाद के धीरे धीरे वाले हैं कि चलो रिलैक्स हो कि चल रहा है, तो मतलब एक्सपेक्टेड नहीं था ऐसा भी होता होगा। बहुत बढ़िया, हम तो ईश्वर से कामना करेंगे कि नवनीत जी के जितने भी स्वप्न हैं रेडी फ्लोर्स को लेके ईश्वर पूरे कर दें, तो उनका जो डेडिकेशन है कहीं नहीं पाया मैंने अपना अपने काम के प्रति। सो व्हाट यू आर हैप्पी विद देम, वेरी मच वेरी मच। ये देखिए आप, ये वाइट तालाब सा जो बना रखा है इन्होंने, ये क्या है, स्लरी जो निकलती है इटालियन मार्बल की, अगर उसको अगर प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता तो जो नालियां वगैरह है ना वो चोक हो जाती है। काफ़ी बार क्या है, जो वर्कर्स होते हैं वो डायरेक्ट नाली में डाल देते हैं, तो बाद में जो ओनर होता है, लैंड ओनर, होम ओनर, उसकी नालियां चोक हो जाती है। तो इन्होंने क्या है, पहले इसमें डाला है, फिर जो पानी जो है वो पानी इस यहां से ड्रेन आउट होकर के ये नाली में जा रहा है, और ये जो स्लरी है जो नाली को चोक कर सकती है उसको यहीं रखा। अब ये फिर बाद में पॉलीथीन चारों तरफ करके एक पॉन्ड जैसा बनाया इन्होंने, और ये जैसे जैसे भरती जाएगी वैसे वैसे जो कचरा फेंकने की जगह वहाँ पे उसको डिस्पोज कर सकते हैं, सो दैट कि नालियाँ वगैरह चोक नहीं हो। ये भी आप आइडिया लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप कभी आप इटालियन मार्बल वगैरह या मार्बल लगा रहे हैं और उसकी पॉलिश हो रही है, तो लेकिन उसके लिए फिर वो प्रॉपर जो टीम है आपकी जो पॉलिश कर रही है उसके पास सारे टूल्स होने चाहिए जो स्लरी है उसको उठाने के लिए। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक दीजिएगा, लाइक देने से थोड़ा अच्छा लगता है। और आपको लगता है कि ये जो कंटेंट है इस वीडियो में, हम जो जिस तरीके का इंटीरियर से रिलेटेड, बिल्डिंग मटेरियल से रिलेटेड जो वीडियोस आपको दिखाते रहते हैं, ये अगर आपको अच्छे लगते हो, आपको बढ़िया लगता हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। और बाकी सारी चीज़ें सब ठीक है, अगर आपका मकान बहुत बढ़िया बन जाता है तो भी ठीक है, सिंपल मकान में रहते हैं तो भी ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक्सरसाइज करते रहिए, स्ट्रेचिंग कीजिए, लिफ्ट का प्रयोग कम से कम कीजिए, सीढ़ियाँ चढ़िए, साइकिल चलाइए, बच्चों के साथ खेलिए और ढंग का खाना खाइए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, जय हिंद।